इस वक्त सबसे बड़ी सुपर पावर है ना हिंदुस्तान को टारगेट करना। मैंने पहले आपको बताया था, टारगेट मेरी नजर में कोई सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर हमारा है, हम है, वो नहीं है। हम क्या सुपर पावर? हम दरिदा। मैंने पहले आपको क्या बताया हमारा जज्बा। जहाँ इंडिया में सोलर ट्रीज बन रही है, अगर इंडिया की बात की जाए तो गुजरात में एक सोलर विलेज भी है ना, इसलिए वो काफी आगे हैं हमसे, लेकिन हम बहुत पीछे हैं। लेकिन आप हिम्मत करें, आवाज उठाएं, आप उनसे भी आगे निकल सकते हैं। हम एक ही चीज को लेकर बैठे हैं, हम एटॉमिक पावर है, हम एटॉमिक पावर है। अगर आज भी हम अंदाजा लगाएं ना दूसरे मुल्कों के साथ उनके डिफेंसिव पावर्स का, तो हम बहुत कम है फिर उनसे। मैम ये हमारा जज्बा है, वो छोड़ने बात, और चाहे कितनी भी पावर कम हो बना लें कोई मसला नहीं है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आगे हैं। पीछे नहीं हटने वाले मुसलमान है ना, आगे बढ़ता है उसका बच्चा भी आगे बढ़ेगा। चाहे हिंदू चाहे टोट भी देखा हमने, वो अल्लाह को भूल गए हुए हैं। गरीब आदमी अल्लाह को याद करता है, जब भी कोई मुश्किल पड़ती है अल्लाह मदद और मदद करता है। तो आज हम वीडियो में देखने वाले हैं कि इंडिया ने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इंडिया जो है वर्ल्ड के फर्स्ट नंबर पे है। तो ये सब जानने के बाद इस पर पाकिस्तानियों के क्या रिएक्शन आते हैं, तो चलिए वीडियो में जानते हैं और वो क्या क्या झूठी कहानियां हमें बताते हैं, तो चलिए ये भी जानते हैं। वाले हैं कि जहां इंडिया में सोलर ट्रीज बन रही है, अगर इंडिया की बात की जाए तो गुजरात में एक सोलर विलेज भी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क नंबर वन पे ही है, हर एटमी लिहाज से भी नंबर वन पे हैं। अब मैं छोड़कर बात करना चाहिए, बाबा साहब भी हमारे रेडियो थे, अब देखें ना वो चलेंगे वो भाई, देखें पाकिस्तान में रहे बच्चे भाई, आप खुद भी भाई चलेंगे। आप शरफ साहब जो थे एटॉमिक पावर की बात कर रहे हैं सर, दुनिया एटॉमिक पावर में, दुनिया डिफेंस में, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। हम एक ही चीज को लेकर बैठे हैं, हम एटॉमिक पावर है, हम एटॉमिक पावर है। अगर आज भी हम अंदाजा लगाए ना दूसरे मुल्कों के साथ उनके डिफेंसिव पावर्स का, तो हम बहुत कम है फिर उनसे। मैम ये हमारा जज्बा है, वो छोड़ दें बात, और चाहे कितनी भी पावर कम हो बना लें कोई मसला नहीं है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आगे हैं। पीछे हटने वाले मुसलमान है ना, आगे बढ़ता है उसका बच्चा भी आगे बढ़ेगा। चाहे हिंदू है चाहे टोप है चाहे जो भी है, तो फिर इस वक्त पाकिस्तान क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? इसलिए नहीं आगे बढ़ रहा, ये मैंने आपको पहले भी, हमारा जज्बा अब कहाँ है जब आटा नहीं मिल रहा, हमारा जज्बा अब कहाँ है जब मईशत डूब रही है, हमारा जज्बा अब कहाँ है जब इसराइल से हमने मदद मांगी? वो इससे मदद मांगी है, मेरी बात सुने। मकसद कहने का मेरा ये है, अब ये सवाल कर रहे हैं महंगाई होगी, आटा नहीं मिल रहा, ये सब कुछ है हमारे मुल्क में, ये ना कहीं हर साइडों पर गाँव में होता है। मैम जो ब्लैक मेल सिस्टम, जब जैसे पैक लगे हुए साइडों पर 650 का तोड़ा दे देना, 10 किलो का मैंने भी लिया, ठीक हो गया। लेकिन हर चीज़ है, ये चीज़ तब निकालते हैं जैसे एक मजीद आप पता है इनको कि रेट बढ़ना है, अमीर कैसे होना है फलाना डमकाना। कभी आवाम बाहर क्यों नहीं निकल रही, आवाम का जज्बा कहाँ है? मैडम आवाम इसलिए नहीं बाहर निकल रही कि गरीब आदमी को, आपको पता है कि ये 3 जी बेचारे के घर बैठे हुए खाने वाले, वो कहाँ से देगा? मुझे ये बताएं, वो अपनी मेहनत करके बच्चों की 1000 रुपीस या 800 या 1000 वो दिहाड़ी है, अपनी मेहनत करके ले जाएगा तो शाम को बच्चों को खिलाएगा ना, या गवर्नमेंट ने तो नहीं भेज देने, या आपने भेज देने, या मीडिया वाले ने भेज, किसी ने नहीं। गरीब आदमी समझ मर गया, वो अपनी मेहनत से कर रहा है, खा रहा है, अगर इनके अब टाइम नहीं रहा, वो वेले लोग हैं जो टाइम उनके पास है, जिनको कहते हैं मिसाल है कि याद चलाओ आपको 2000 दिहाड़ी देता हूँ, 5000 दिहाड़ी, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो फारिक लोग हैं। हम लोग फारिक हैं, मेहनती हैं शुरू से ही। अच्छा 1 सेकंड सर, मेहनती हैं ठीक है, मेहनत करना, मेहनती होना एक बहुत अच्छी बात है ठीक है, लेकिन जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पर आवाज़ उठाना भी आवाम का हक है, और ये इस्लाम में भी कहा गया है कि अगर कुछ गलत है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर हम यही कहेंगे कि भाई हम लोग कैसे पूरा करेंगे, तो सर 1 दिन 2 दिन हम तंग हो गए, एटलीस्ट आवाम बाहर निकलेगी, एक शोर तो बरपा होगा, आवाज तो उठेगी ना, बजाय ये कि वहीं पर बैठकर जुल्म और सितम बर्दाश्त करते रहो, फिर तो आपका मुल्क और नीचे से नीचे ही जाएगा। वो कहते हैं ना अल्लाह भी उनकी मदद तभी करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो आदमी लोग कभी देखा हमने, वो अल्लाह को भूल गए हुए हैं। गरीब आदमी अल्लाह को याद करता है, जब भी कोई मुश्किल पड़ती नहीं अल्लाह मदद और मदद करता है गरीब आदमी की। अमीर आदमी को तो बस पैसों की है, पैसा आना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, पैसा पैसा, तब मुसीबत में पड़ेगा फिर याद करेगा। वो भूल गया हमें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, रोटी जल्दी खाते हैं हम, भूले नहीं उसका शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह कहता है कि मुझे याद करने के साथ साथ अपनी हरकतें भी दुरुस्त रखो, मेहनत करो, रोजी रोटी कमाओ, आवाज उठाओ। लेकिन वो आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, आवाज उठानी चाहिए। सर अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो क्या लगता है ये सब चीजें वहां पर भी, जो हालात आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे कि आज उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना रही है? वो हमसे आगे भी है ना, मैंने जैसे आपको बताया ना, हमारे जैसे डॉलर में और हमारे ये सिस्टम में फर्क होता ही है ना, इसलिए वो काफी आगे हैं हमसे, लेकिन हम बहुत पीछे हैं। लेकिन आप हिम्मत करें, आवाज उठाएं, आप उनसे भी आगे निकल सकते हैं, ये तो मुश्किल नहीं है, बहुत आगे निकल सकते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात भी नहीं है। मेहनत से निकल सकते हैं ना, क्यों नहीं निकल सकते हम लोगों की मदद मांगते रहेंगे तो कब तक? अगर ऐसे करते रहेंगे हमारा मुल्क मजीद नीचे चला जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप प्लीज हमारे मुल्क को, ये वजीर आजम साहब से मेरी यही अपील होगी कि ख्याल करें, देखें, और दूसरी बात की ये महंगाई कम करें, जितनी भी जिस चीज़ का भी रेट है ना, उस एक कैप्टन की डब्बी 110 की थी, अब 120 में हो गई है, 220 की, सॉरी 220 की, हाँ जी याद है ना, बड़ा बिजनेस। सिगरेट तो एक अलग बात रही ना, जहाँ खाना मुयसर नहीं हो रहा वहाँ तो सिगरेट तो खैर मुजरे से है। मेरा दोस्त बाहर के मुल्क से आया, वापस आया, और उसने मुझे ये बताया यार यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं क्या अच्छा लगा आपको? जैसे कह रहे कि रेस्टोरेंट है ना, जैसे वो रेस्टोरेंट उसका भी रेट वही है, एक 5 स्टार होटल है ना वो बहुत बड़ा, उसका भी रेट वही है,
फर्क नहीं है किसी चीज का, लेकिन यहाँ पे जो जिसका दावा चल लग रहा है चला रहा है, पीछे कौन जा रहा है, गरीब आदमी अमीर आदमी को मैम कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप कभी और भी कीजिएगा, खैर और क्या करना, आपको अंदाजा आप प्रोट भी करते हैं, फर्क पड़ता है गरीब आदमी का अमीर आदमी का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि इन चीजों के खाने में खैर पेट्रोल कम किया जाए, मेरी आवाम के सामने अपील है वजीर अजम साहब को, और जितनी महंगाई है प्लीज खुदा के लिए कम करें, हमारी जितनी आवाम है इनको रिलैक्स दिया जाए, रिलैक्स देंगे तो मजीद आगे पाएंगे। लेकिन उसकी वजह ये है आप ये गरीब लोगों की वजह से आप आए हैं आगे, आप तो कुर्सी किसने ली, ये सारे गरीब लोगों ने वोट डाले थे आए हैं हमारी वजह से, ऊपर से नहीं आगे या अमेरिका ने नहीं भेज दिया। लेकिन अपने मुल्क को देखें, दूसरों के कहने पर मत चलें, वो शैतान है, शैतानी चरखा सिस्टम होता है ना, वो तो कहते मुसलमान मुसलमान मर जाए, हमेशा दुश्मन खुश होता है कि ये लड़ रहे हैं ना। क्या पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करना रह गया? देखिए अगर वो टारगेट कर सकते हैं हम भी टारगेट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्यों हमें ही क्यों टारगेट करें? सिखों को क्यों टारगेट करें? अंग्रेजों को क्यों टारगेट करें? अंग्रेज तो इस वक्त, अमेरिका तो इस वक्त सबसे बड़ी सुपर पावर है ना, हिंदुस्तान को क्यों टारगेट करें? मैंने पहले आपको बताया क्यों टारगेट करें, नजर में कोई सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर हमारा है, हम है, वो नहीं है, हम क्या सुपर पावर, हम दलीला, मैंने पहले आपको क्या बताया हमारा जज्बा, ये चीज जज्बे के साथ सिर्फ मेहनत भी होनी चाहिए, सिर्फ अगर हम नारे लगा देना जज्बा जज्बा तो सिर्फ जज्बा बेमायने लगता है, क्योंकि अभी मुल्क के जो हालात है वो आपके सामने है सर। अच्छा एक मेहनत मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, ठीक है, जज्बा हर मुसलमान के अंदर है, ठीक है। दूसरी बात ये कि फलाना आ गया ढमकाना आ गया, मिसाल है एक बंदे की 75,000 किसी सरकारी मुलाजम कर रहा है, ठीक है, वो गरीब आदमी को ही पकड़ेगा ना, अमीर आदमी को तो छोड़ देगा, उसको पता सुकून आ जाना है, गरीब आदमी तो गया, अमीर आदमी तो अपना बच्चा लेकर निकल जाएगा, गरीब आदमी का बच्चा हमेशा फंसता है, अमीर का नहीं फंसेगा। यहाँ पर भी जज्बा शो करें ना, आवाज उठाए ना इनके खिलाफ, हम ही बदलेंगे। कौन सुनता है? क्योंकि आपने जज्बे का नाम लिया था तो मैं जिससे भी बात करती हूँ यहाँ पर जज्बा जरूर मुझे सुनने को मिलता है। हम लोग 1947 से लेकर अब तक ये कहते रह गए हमें जज्बा होता है, हम सब पता कर लेंगे, दुनिया तरक्की करती रह गई, क्या कहेंगे इसके बारे में? दुनिया तो तरक्की करती रह गई ना, इसलिए आप पहले वक्त के जो दौर थे ना बहुत अच्छे थे, हम तो नहीं, जज्बा अब भी है, मुसलमान के बच्चे में भी जज्बा है, ये बात नहीं है, मुसलमान के बच्चे में भी जज्बा है, जैसे ये जितने अवाम है हम तो जज्बे में है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया मैडम, इस वक्त लोगों के पास टाइम नहीं है जज्बा करने का, वो तो मिलेंगे चलेंगे, चाहे यहाँ से भी जलसा निकलेगा, हम उनके साथ टच होंगे, जरूर होंगे, क्यों नहीं? जज्बा ये नहीं होता कि कोई भी निकल जाए, आपने जज्बा ये होता है कि आप गलत के खिलाफ जो है आवाज उठाओ, आप मेहनत करो, आप में आगे बढ़ने का जज्बा हो, आपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने का जज्बा हो। तो मुझे ये बताएं, जब मैंने आपको, मैं आपके बाल कसोरी काट रहा हूँ, अब मैं जितना जलील हुआ हूँ, 4 दिन से 750 का पेट्रोल सार दिया, 450 उसको दे दिया, 750 उसको फीस दे दिया, मैं तो पागल हो गया, मैं तो कर ही हो गया। तो वो तो बड़े अफसर है ना जो फाद करने हैं, सुन नहीं सर, गरीब आदमी की नहीं सुने। हाँ जी साहब, के आप क्या हैं जी? आए सुभाष जी, आए हैं जी, वो जा रहे हैं, हम 3 घंटे से वहीं खड़े हुए हैं, 4 घंटे 4 बजे 5 बजे अड्डे पे आ रहे हैं, ये क्या तरीका, ये क्या, ये 2 नंबर ही नहीं है, गरीब आदमी को पागल कर रहे हैं आप लोग क्यों? लेकिन प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है ये, ताकि ये मेरे बच्चे का, मेरा किसान का बेटा है अलहमदुल्ला, अब आईडी कार्ड उन्होंने 3 महीने के बाद, कभी कहते हैं साल के बाद, कभी कहते हैं हाईकोर्ट के बाद, उन्होंने सर वो तो कहते हाईकोर्ट, चलो हमने मुकदमा लड़ना है, किस चीज का, आईडी कार्ड बनाना, फीस भी जमा हो गई है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, परेशान किया हुआ इन्होंने लोगों ने बहुत ज्यादा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, तो बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है। लेकिन प्लीज ये जितने भी मगरमच्छ ना, इनको दुरुस्त करें पहले, तो नीचे वाले उनको दुरुस्त करें, उससे नीचे वाले उनको दुरुस्त करें। At that time, now we didn't feel anything. I just came abroad from now, like from Australia last week. So many of the things we see is getting lower than before. Not anything will be increased or like this. So the many things we will be from, like the main things is here we cannot manage just our social media or internet accesses. This is always be getting a very low signals anywhere. This is the main issue for us. So we don't have access to be aware from the other technology out of the worlds. Yeah. Do you know about India? Yeah, I know many things about India, because in nowadays India is in a very good situation because of their politicians' strategy, because they are in a very good situation right now. About you can just compare our Pakistani field with them in just automobiles, cars. So which car is available in India are like 25,000. This will be here more than 10 million or 1.5 crore like this. Last week we buy a Haval H6. It's a price in India launching price. We are not manufacturing cars. We are just assembling. Yeah, assembling. This is the issue. They was independent on a same time with us. They had a Tata, Birla, Suzuki, many more things and there. And one shocking news from their side also, they had a now Apple store there. So this Apple is launching their store as well there. So nothing is available here, nothing in Pakistan. I will just give you a short. तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि इंडिया ने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, भाई इंडिया जो है वर्ल्ड के फर्स्ट नंबर पे है, और इंडिया में जो है टैलेंट भरा हुआ है, और इंडिया दिन पे दिन तरक्की करता जा रहा है भाई, और ये सब जानकर पाकिस्तानी जल रहे हैं और झूठ मूठ का कुछ भी अपने बारे में बता रहे हैं। तो वो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया है, उसने कोई वर्ल्ड का रिकॉर्ड नहीं बनाया भाई, और ये सब जो है ये
इंडिया के बारे में सब झूठी बातें बनाई गई है, अभी इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इंडिया में टैलेंट नहीं है, बल्कि टैलेंट तो हमारे पाकिस्तान में है, हम मुस्लिमों में है भाई, हिंदुओं का तो ऐसे ही नाम हो रखा है, हम पाकिस्तानियों को कोई पूछता नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है गरीब है और हम पाकिस्तानी जो है बहुत अमीर है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान के बच्चे बच्चे में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है भाई, और जो है हम बहुत अमीर देश है, इंडिया बहुत गरीब देश है, इसीलिए तो हमारा कोई नाम नहीं लेता कि हम बहुत अमीर है, हमें किसी की नहीं सुननी भाई, हमें अपने मन की करनी है, क्योंकि हम अगर किसी की सुनेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, हम आगे थे, आगे हैं और आगे ही रहेंगे भाई। और पाकिस्तान ये आस करके बैठे हैं कि वो आगे बढ़े हुए हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तरक्की नहीं कर रहे हैं, वो घर पर ही पड़े हैं। आप लोग भी जानते होंगे पाकिस्तानियों के बारे में भी, पाकिस्तान के कैसे झूठे निठल्ले आदमी है भाई, कैसे गवार और बददिमाग भरे हुए हैं भाई, और पाकिस्तानी कुछ भी झूठी झूठी बातें बता रहे हैं भाई, आपको पता ही होगा पाकिस्तान के क्या हालात है, तो मुझे आप पर यकीन है आप सभी इनकी झूठी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, तो आप हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।